नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वप्न दोष के बारे में, जिसे नाइट फॉल भी कहा जाता है। हमारे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, जिनका कहना है कि भाई मुझे स्वप्न दोष होता है, तो बताओ मैं क्या करूं। यह समस्या सिर्फ उनकी ही नहीं है, आज कई सारे नौजवान इस समस्या का सामना कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह क्या है और क्यों होता है और इसका घरेलू उपाय क्या है। अधिकतर पुरुषों को सुबह उठने के बाद अपने अंडरवियर या पैजामे में गीला और चिपचिपा पदार्थ देखने को मिलता है, जो कि मूत्र नहीं होता है। यह मूत्र से गाढ़ा होता है। पहली बार इसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी इसके कारण बिस्तर भी गीला हो जाता है, जिस कारण आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वास्तव में यह तब होता है जब आप कामुक सपने देखते हैं, इसलिए इसे स्वप्न दोष कहा जाता है। स्वप्न दोष अधिकतर रात में होता है, इसी कारण इसे नाइट फॉल भी कहते हैं। यह सोते समय ही होता है। स्वप्न दोष एक आम घटना है जो पुरुषों के जीवन काल में कई बार होती है। जब पुरुष किशोर अवस्था में आते हैं तो उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होने लगता है। आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन के बनने का मतलब है कि अब शरीर स्पर्म मुक्त कर सकता है, जिसका अर्थ है कि आप बच्चे पैदा करने के योग्य हो गए। जब आपके शरीर में वीर्य बन जाता है, तब उसके मुक्त होने का स्वप्न दोष ही एकमात्र जरिया होता है। अगर यह महीने में एक से दो बार होता है तो कोई चिंताजनक बात नहीं है, अगर इससे ज्यादा होता है तो परेशानी वाली बात है। स्वप्न दोष का इलाज। स्वप्न दोष कोई चिंताजनक विषय नहीं है, लेकिन इसे रोकने या नियंत्रित करने का कोई चिकित्सीय इलाज भी नहीं है। अगर आपको रात में स्वप्न दोष होता है तो सुबह उठकर खुद को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। सफाई का सबसे बेहतर तरीका है कि आप नहा लीजिए, नहीं तो अपने लिंग को अच्छी तरह से साबुन की सहायता से साफ कर लीजिए। अगर आपको स्वप्न दोष के बारे में शर्मिंदगी महसूस होती है या आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो डॉक्टर या अपने अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति जिससे आप खुल करके बात कर सकते हैं, उससे इस बारे में पूरी जानकारी लें। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि स्वप्न दोष का कोई चिकित्सीय इलाज नहीं है, लेकिन आप इससे कुछ बेहतरीन घरेलू उपाय से रोक सकते हैं। पहला उपाय यह कर सकते हैं कि आप लहसुन हर किसी घर में उपलब्ध होता है, आप लहसुन की 2 से 3 फांके लें और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें चबाएं और चबाने के बाद 1 गिलास पानी पी लें। इसके अलावा आप लहसुन को खाने में भी डालकर खा सकते हैं। इसका इस्तेमाल रात को सोने से पहले जरूर करें। दूसरा उपाय प्याज भी हर किसी के घर में आसानी से मिल जाता है। आपको प्याज और शहद लेना है। सबसे पहले एक छोटी प्याज लें और उसका जूस निकाल लें और जूस में कुछ मात्रा में शहद डाल लें, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद पी लें, और आप प्याज को खाने के साथ साथ सलाद या सैंडविच में डालकर भी खा सकते हैं। स्वप्न दोष की समस्या खत्म करने के लिए इस मिश्रण को दिन में 2 बार पिएं, या फिर स्वप्न दोष दूर करने के लिए 1 कप दही लें। आप दही या तो खाली दही भी खा सकते हैं या फिर खाना खाने के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा दही से बना रायता, छाछ आज भी पी सकते हैं। रोजाना पूरे दिन में 2 से 3 बार दही खाएं, सुबह, दोपहर और शाम को सोने से पहले खाएं। ये घरेलू नुस्खे जरूर ट्राई करें अगर आपको स्वप्न दोष की प्रॉब्लम है तो। और वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं डेली ब्रह्मचर्य और फिटनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ।